नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार जीत के बाद अब दूसरे मैच की बारी है और वो मैच है नीदरलैंड के खिलाफ। लेकिन नीदरलैंड के खिलाफ मैच से पहले जो खबर है कि हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे, अब आप लोगों के ध्यान में सवाल होगा कि आखिर हार्दिक पांड्या क्यों नहीं खेलेंगे, आखिर क्या वजह हो गई, क्यों हार्दिक पांड्या को परेशानी हुई और क्या परेशानी हुई, किस वजह से हार्दिक पांड्या थके, क्या दोबारा से पुरानी चोट उभर रही है या फिर कोई और रीजन है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर हार्दिक पांड्या ने क्या कहा, किस बयान को देकर हार्दिक पांड्या ने खलबली मचा दी कि वो दूसरे मैच में नहीं खेलेंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बाद हार्दिक पांड्या से दूसरे मुकाबले को लेकर जब पूछा गया, क्योंकि वो सिडनी में जब पहुंच चुके थे उस वक्त वो प्रैक्टिस करने भी नहीं आए, तो उस वक्त जब हार्दिक पांड्या से पूछा गया कि नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में क्या आप प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं या फिर बाहर बैठने वाले हैं, तो हार्दिक पांड्या ने जो परेशानी बताई, जो रीजन बताया, जाहिर तौर पर उसके ऊपर टीम इंडिया को अमल करना पड़ेगा और इसके बारे में विचार विमर्श जरूर करना पड़ेगा। दरअसल हार्दिक पांड्या ने कहा कि मेलबर्न का मैदान बड़ा मैदान था, आपको पता है कि बहुत बड़ी बाउंड्री थी, तो उन्होंने बोला है कि मेलबर्न का मैदान पर जहां बाउंड्रीज कम लग रही थी, सिंगल डबल रन ज्यादा लेने पड़ रहे थे, क्योंकि बड़ी पार्टनरशिप हार्दिक पांड्या और विराट कोहली दोनों ने निभाई थी, तो हार्दिक पांड्या ने कहा कि वो सिंगल डबल रन लेने के चक्कर में मेरी उतनी तैयारी नहीं थी और मैं वहां पर थकावट महसूस कर रहा था। जाहिर तौर पर जब मेलबर्न जैसा बड़ा मैदान पर आप खेल रहे होते हैं तो बाउंड्रीज कम लगती है, वहां पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, डबल को थ्री में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इस तरीके से तेज गति से भागना पड़ता है पिच पर, और विराट कोहली खुद एक बेहतर एथलीट है, हार्दिक पांड्या खुद एक बेहतर एथलीट है, तो हार्दिक ने कहा कि मेरी पहले से उस तरीके की तैयारी नहीं थी कि किस तरीके से रन ज्यादा दौड़ने हैं, जबकि मेलबर्न के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से करना पड़ा और उसके वजह से शरीर में थोड़ी सी ऐठन आई, थोड़ी सी थकावट आई, और अब शायद ऐसी बात को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया नीदरलैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या को शायद मैदान पर ना उतारे और उन्हें आराम दे, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने मैच जिताने में एक अहम योगदान दिया था, पहले गेंदबाजी में, उसके बाद में बल्लेबाजी में, जिस तरीके से विराट कोहली के साथ उनकी साझेदारी हुई थी, उस साझेदारी ने टीम इंडिया को जीत में एक अहम योगदान निभाया था। तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया अब हार्दिक पांड्या के इस बयान के बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि शायद टीम इंडिया हार्दिक पांड्या को बाहर रखेगी, क्योंकि जिस तरीके से वो पिच के बीच में दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की थी, जाहिर तौर पर इतने बड़े मैदान पर बल्लेबाजों को थोड़ी थकावट होती है, जब रन ज्यादा दौड़ने पड़ते हैं, बाउंड्रीज उतनी नहीं लगती हैं, तेज गति से रन भागने पड़ते हैं, तो वहां पर थकावट महसूस होती है, तो इसीलिए हार्दिक पांड्या को बाहर रखने का फैसला टीम इंडिया कर सकती है और शायद टीम इंडिया के लिए यह फैसला फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आपका हार्दिक पांड्या के इस बयान पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।